देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए इंडिया का गठबंधन हुआ। मोदी को हराने के लिए कुछ भी ये पार्टियां जो है कर सकती हैं, और आप लोग देख भी सकते हैं कि लगातार जो है मोदी पर हमले हो रहे हैं। दूसरी तरफ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जी हां, मनोहर लाल को हराने के लिए पार्टियां एक एक दल जो है बना सकती हैं, और ऐसा संकेत जो है अभय सिंह चौटाला दे रहे हैं। उनका कहना है कि अगर जो मनोहर लाल को हराना है तो सभी पार्टियों को एक मंच पर आना होगा और एक साझा उम्मीदवार जो है मैदान में उतारना होगा। कल पानीपत पहुंचे थे, जब पत्रकारों ने उनसे बातचीत की तो अभय चौटाला बोले कि वो सहमत हैं। क्या कह रहे हैं एक बार आपको सुनवा देते हैं। अगर मनोहर लाल खट्टर को हराना है और फिर हर हालत में एक उम्मीदवार आना चाहिए। एक उम्मीदवार आएगा तो मनोहर लाल खट्टर किसी कीमत पे चुनाव नहीं जीतता, और अगर अलग अलग उम्मीदवार उतारोगे तो उससे नुकसान हो जाएगा। आपकी बात हुई है किसी नेताओं से? मैं किसी के घर पे नहीं जाता। मैंने तुम्हारे माध्यम से खुल करके ये बात कही है। वो कोई इतने मूर्ख नहीं है जो सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है ना देखते, खबरों में क्या रहा है ना देखते। अब फैसला उन्होंने करना है कि इसके लिए हमें क्या करना है। अगर वो साझा उम्मीदवार नहीं उतारते तो इसका मतलब भाजपा से मिले हुए मनोहर लाल खट्टर का आसान उतारना चाहते हैं। तो अभय चौटाला साहब चाह रहे हैं कि सभी पार्टियां जो हैं इकट्ठी हो जाएं और एक मंच पर आकर साझा उम्मीदवार मनोहर लाल के खिलाफ जो है खड़े कर दें। अब बड़ी बात यह है कि पार्टियां डर रही हैं। उन्हें किस बात का डर है कि साझा उम्मीदवार इकट्ठा करके मैदान में उतारने की जो है बात कर रहे हैं। मनोहर लाल से डर रही हैं, बीजेपी से डर रहे हैं, ये पार्टी के अंदर की बात है। अभय चौटाला क्या सोच के इतनी बड़ी जो है बात कह रहे हैं। हालांकि जेजेपी से उनकी बनती नहीं है, दुष्यंत चौटाला से उनकी बनती नहीं है, लेकिन वो ये भी चाह रहे हैं कि जेजेपी जो है, कांग्रेस, जेजेपी और जितनी भी अदर पार्टियां हैं इकट्ठी एक मंच पर आकर साझा उम्मीदवार मनोहर लाल के खिलाफ खड़ा कर दें। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि अकेले अकेले कोई भी मनोहर लाल को हरा नहीं सकता। अब ये मनोहर लाल की ताकत है, मनोहर लाल की विश्वसनीयता है, बीजेपी का डर है, ये तो अभय चौटाला ही जाने। लेकिन अभय चौटाला ने ये संकेत जरूर दिए हैं। हालांकि उनसे ये भी पूछा गया कि आप किसी नेता के संपर्क में हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से ये संदेश उन पार्टियों तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि आप लोग इकट्ठा होकर एक ही मंच पर जो है आ जाए। दूसरी बात, मराठा वीरेंद्र वर्मा के बारे में उन्होंने एक बात ये कही कि अगर जो मराठा वीरेंद्र वर्मा चुनाव लड़ते हैं तो मैं खुल कर जो है उनका समर्थन करूंगा। मैं कहता हूँ रोड बिरादरी के किसी अच्छे आदमी को टिकट मिलेगी तो वो जीत जाएगा। वीरेंद्र मराठा आपके संपर्क में है कि कहीं ना कहीं? मैं संपर्क में तो नहीं है, लेकिन वो चुनाव लड़ने की इच्छुक है। अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो मैं खुला समर्थन करूंगा। 400 पार का नारा दे रही है बीजेपी इस बार लोकसभा में, क्या लगता है आपको? लोग जूत मारे तो 400 पार की बात करें। जेजेपी भी ये चाह रही है कि मनोहर लाल और बीजेपी का सुपड़ा साफ करने के लिए हरियाणा से वो उनके साथ हाथ मिला ले, कांग्रेस उनके साथ हाथ मिला ले। और कांग्रेस से वो 2 सीट जो है मांग रही थी। हमने पिछले दिनों जेजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र कादियान का इंटरव्यू आपको दिखाया था, जिसमें उन्होंने खुद कहा था कि अगर जो 2 सीटें उनको मिल जाती हैं तो वो मनोहर लाल को भी हरा देंगे और जो बीजेपी का जो है वो सुपड़ा साफ कर देंगे। इस इंटरव्यू को भी, इस इंटरव्यू की एक लाइन आपको सुनवाता हूँ, उस एक लाइन को समझिए। हालांकि आप लोग देख ही रहे हैं लगातार, लेकिन उस एक लाइन को सुनिए और समझिए कि स्ट्रेटजी क्या है। आपके चैनल के माध्यम से हुड्डा साहब को कहना चाहूँगा कि आप जजपा के साथ गठबंधन करो, 2 सीट हमें दो, देखो सुबह कैसे प्रदेश से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाता है। आज जो है मनोहर लाल जी को जिताने का काम अगर कोई करेगा तो वो कांग्रेस करेगी। तो देवेंद्र कादियान 2 सीटें मांग रहे हैं कांग्रेस से, लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी को हराने के लिए सभी दल एक ही मंच पर आने को तैयार हो गए हैं। राजनीतिक दुश्मनी जो है भुलाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ मनोहर लाल को और बीजेपी का सुपड़ा साफ करने के लिए ये सब जो है एक होने जा रहे हैं, ऐसा जो संकेत है अभय चौटाला ने दिया है। हालांकि किसी नेता से वो नहीं मिले, लेकिन दूसरी बड़ी बात ये है कि जेजेपी जो है बड़े फूक कर जो है कदम रख रही है। उनकी अपनी स्ट्रेटजी है, वो चाह रही है कि कांग्रेस अपने उम्मीदवार जो है मैदान में उतार दे, उसके बाद इनेलो जो है अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे, उसके बाद जेजेपी जो है बड़े सोच समझ के अपने जो चेहरे हैं पार्टी के वो मैदान में
उतारे। जातीय समीकरण के हिसाब से कौन सा लोकप्रिय चेहरा है या कौन सा कोई कांग्रेस या दूसरी पार्टी इनेलो छोड़कर उनके पाले में आ सकता है, इन चीज़ों को भुनाने में जो है जेजेपी लगी है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला एक बहुत समझदार आदमी है और बड़ी समझदारी से जो वो अपना कदम जो है आगे बढ़ाते हैं। हालांकि करनाल की बात की जाए, करनाल में 12 लाख से ज़्यादा जो है मतदाता हैं, वो अपना मत का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वोटर भी समझदार है, वो भी सोच रहा है कि किसको वोट दें। बड़े सोच समझ के इस बार जो है वोटर अपने वोट का इस्तेमाल करेगा। हरियाणा की और पूरे देश की सबसे बड़ी पार्टी इस समय जो है बीजेपी है। बीजेपी की तरफ मतदाता जाएगा नहीं जाएगा वो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन मैं बात कर रहा था जेजेपी की। दुष्यंत चौटाला का कल जो है हिसार में विरोध हुआ और उस विरोध के चलते अभय चौटाला कह रहे हैं कि अगर इनकी सिक्योरिटी छीन ली जाए, बिना सिक्योरिटी के ये गांव में जाएंगे तो लोग इन्हें जूते मारेंगे। एक बड़ी बात यह है कि अभय चौटाला ये कह रहे हैं कि इनको जो है जूते पड़ेंगे, और हो भी ये रहा है कि विरोध हो रहा है। आज अरविंद शर्मा का विरोध हुआ है, रंजीत चौटाला का विरोध हुआ है, अशोक तंवर का विरोध हुआ और दुष्यंत चौटाला का विरोध हुआ, तो जगह जगह जो है इनके विरोध लगातार जारी है। किसान जो है 5 साल का हक जो है उनका मांग रहे हैं। 5 साल में उन्होंने संसद में या विधानसभा में क्या आवाज़ उठाई उनके नेताओं ने, जेजेपी के नेताओं ने या बीजेपी के नेताओं ने, इसका जो है हिसाब जो है मांग रहे हैं। मैंने कहा था जिस दिन इनके साथ सिक्योरिटी नहीं होगी, पुलिस फोर्स नहीं होगी, उस दिन लोग इनके जूत मारेंगे। जूत मारने शुरू कर दिए कि नहीं कर दिए? आज गाड़ी जो थी वो भी लोगों ने छीन ली, पैदल निकलना पड़ा वहाँ से, किसी भी गाँव में नहीं जा सकते। मनोहर लाल खट्टर भी बिना पुलिस फोर्स के बिना किसी गांव में नहीं जा सकता। बीजेपी का कोई नेता बिना पुलिस फोर्स के चुनाव मैदान में नहीं आ सकता। आज अरविंद शर्मा जिस गांव में पहुंचे थे वहां पर लोग पूछ रहे हैं कि 5 साल लगातार आप लोग कहां थे, आप 5 साल बाद उनकी याद आ गई, क्योंकि ये एक वोट जो है आपका वोट जो है यही वोट जो है उस नेता को संसद में भेजेगा, वही एक वोट जो है आपको विधानसभा जो है उन नेताओं को पहुँचाएगा। इस वोट की ताकत जो है पहचानिए। मैं लगातार बात कर रहा हूँ दुष्यंत चौटाला की, जेजेपी पार्टी की। जेजेपी पार्टी के किसी भी उम्मीदवार जिसने चुनाव लड़ना है या किसी भी नेता या किसी भी कार्यकर्ता से बात की जाए प्रफुल्लित हैं, उन्हें टेंशन नहीं है कि उनका गठबंधन जो है टूट गया है। वो पूरी एनर्जी के साथ लोकसभा चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, वो चुनाव लड़ने से कन्नी काट रहे हैं, लेकिन इनका एक कार्यकर्ता जो है चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है और देख रहा है अजय चौटाला की तरफ या दुष्यंत चौटाला की तरफ कब जो है आदेश आए और कब वो जो है चुनाव लड़े। हालांकि जेजेपी जो है नई नई पार्टी बनी है, उन्हें इस बात का गम नहीं है कि वो 10 लोकसभा सीटें जो है हार जाएं, विधानसभा भी हार जाएं, वो अगली तैयारी जो है 10-15 साल बाद की तैयारी जो है वो करके चल रहे हैं, क्योंकि दुष्यंत चौटाला भी 35-36 साल के हैं, नौजवान हैं और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों को पता है कि दम भर रहे हैं। और अब दुष्यंत चौटाला के नारे भी लगते हैं, सीएम आया, यानी कि उनकी दुष्यंत चौटाला की नज़र जो है चंडीगढ़ वाली कुर्सी पर है और अपने कुछ साथियों को वो संसद में भेजना चाह रहे हैं। अभी जेजेपी ने सिर्फ एक सीट जो है भिवानी महेंद्रगढ़ राव बहादुर सिंह जो कांग्रेस छोड़ के आए थे उनको दे दी है, वहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे। अभी 9 लोकसभा सीटों पर जो है पूरी तरह मंथन चलेगा और उसके बाद जो है जेजेपी अपने सिपाही जो है मैदान में उतारेगी और बड़े सोच समझ के वो मैदान में उतारने जा रही है, क्योंकि उनको भी पता है कि पार्टी का चाहे प्रदर्शन अच्छा ना हो वो नहीं जीत सकते, लेकिन वो लड़ाई जो है पूरी मजबूती से लड़ने के लिए जा रहे हैं। और हिसार से उन्होंने दम भी भरा, अपने परिवार को जो है इलेक्शन लड़वाने के लिए वो जा रहे हैं। हालांकि नाम जो है उन्होंने नहीं खोला, पत्ते नहीं खोले, लेकिन उनके परिवार के जो है यानी कि नैना चौटाला, दुष्यंत चौटाला की माँ है, उनका नाम जो है प्रमुखता से उठ रहा है। अभी बाकी 8 सीटों पर कौन हो सकता है ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन बड़ी बात यह है कि 25 मई को इलेक्शन होना है, छठे चरण में इलेक्शन होने जा रहा है। और 25 मई यानी कि आज की तारीख की बात की जाए तो आज 6 तारीख हो गई है, कुछ ही दिन जो हैं रह गए हैं, लेकिन कांग्रेस अपने उम्मीदवार अभी तक उतार नहीं सके। इतनी क्या गुटबाजी कांग्रेस में चल रही है या इशारा नहीं समझ पा रहे बड़े नेता कि किस ओर जो है भूपेंद्र हुड्डा का इशारा जो है वो माने या रणदीप सुरजेवाला का इशारा वो माने या कुमारी शैलजा का इशारा है वो माने, वो अभी तक कोई पते नहीं खोल रही। लेकिन जेजेपी जो है
लगभग तैयार है, सिर्फ इंतजार उनको ये है कि इनेलो एक बारी पत्ते खोल दे और कांग्रेस जो है पत्ते खोल दे। उनके पास चेहरे पूरे हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो अब देखते हैं कौन सा सिपाही जो है मैदान में होगा और कौन जो है इधर दिल्ली जाएगा और अगली बारी कौन जो है इधर चंडीगढ़ जाएगा। आपका इस वीडियो को लेकर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और साथ ही आप लोगों से हर बार की तरह अपील मेरी यही रहेगी, वोट उन्हें दें जो आपके दुख सुख में काम आए, जो आपका फ़ोन उठाता हो और जो आधी रात को भी आप एक बार फ़ोन करें तो उसका पहली बेल में फ़ोन उठे और कहें कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं, बता तेरे को क्या मजबूरी है। सिर्फ उसी को वोट देना, आप वोट सोच समझ के देना, क्योंकि आपका कीमती वोट 5 साल बाद इन नेताओं को आपकी याद आती है। 5 साल, पूरे 5 साल ये आप लोगों को भूल जाते हैं। आपके घर में 5 साल बाद वो कदम रखते हैं, आपकी गली में, आपके वार्ड में, आपकी कॉलोनी में 5 साल बाद वो नज़र आते हैं, पूरे 5 साल वो गायब हो जाते हैं। तो सोच समझ के अपना वोट दें और YouTube को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही Facebook पेज को फॉलो ज़रूर करें। नमस्कार।